तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौर टेक्निकल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना चलाई जिसका नाम है जनधन। तो दोस्तों, जिसके अंतर्गत सभी खातों के अंदर 500 रुपये आने वाले। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में उसी बारे में बात करिए कि आप उस पैसे को कैसे चेक कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र पर चले जाना है। और दोस्तों, जैसे आप क्रोम ब्राउज़र पर चले जाओगे, चाहे आप मोबाइल में हो या लैपटॉप में, वहाँ पर आपको टाइप करना है PFMS। तो दोस्तों, जैसे आप PFMS टाइप कर दोगे, आपको सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे आप सर्च के बटन पर क्लिक कर दोगे, वहाँ पर आपको टाइप करना है PFMS। तो दोस्तों, जैसे आप वो सर्च कर लोगे, उसके बाद वो कुछ टाइम लोड लेगा और वो पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, ये पेज स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है, पर ये पेज जल्दी ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, जिससे आप देख सकते हो कि मेरा पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा नो योर पेमेंट, तो आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है, वहीं से आपका बैलेंस चेक होएगा। तो दोस्तों, जैसे आप हम उसको ओपन कर देंगे, तो वो पेज भी ओपन होने में कुछ टाइम लेता है, पर वो जल्दी ओपन हो जाता है। तो जैसे ही वो पेज ओपन हो जाए, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा बैंक का। आपको आपका बैंक का नाम डालना होगा। वहाँ पर आपको आपका बैंक का पूरा नाम आपको वहाँ पर इंटर करना होगा। तो मैं भी मेरे बैंक का पूरा नाम इंटर कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मेरा बैंक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ। आपका जो भी बैंक का, वहाँ पर इंटर कर सकते हो। और नीचे में आपका और नीचे में अपना जो भी अकाउंट नंबर है वो इंटर कर लेता हूँ। और नीचे वहाँ पर एक और बता रहा है इंटर कन्फर्म अकाउंट नंबर, आपको फिर से वही वाला अकाउंट नंबर वहीं पे इंटर करना होगा। तो जैसे आप दोनों जगह पे अकाउंट नंबर डाल दो, नीचे आपको एक कैप्चा दिया होगा, वो कैप्चा आपको वहाँ पर इंटर करना होगा। वहाँ पर वो जैसा भी कैप्चा दिया गया हो, आपको वैसा का वैसा वहाँ पर देना होगा। तो नीचे सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसा आप देख सकते हो कि मेरा खाता वेरीफाई नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर वो एरर बता रहा है। दोस्तों, इसे आप अपने खाते में बैलेंस चेक